इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आप फ़ोनपे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो बट आपके पास उस बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है, डोंट वरी, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। इस वीडियो में मैं बिना डेबिट कार्ड के फ़ोनपे अकाउंट को यूज़ करने का फुल प्रोसेस लेके आ चुका हूँ। एक ही पार्ट को स्किप मत करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ोनपे को अपडेट कर लेना या अपने मोबाइल फ़ोन से न्यू वाला फ़ोनपे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मिलेगा एंटर योर मोबाइल नंबर, आप वही मोबाइल नंबर को फिल कीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ लिंक होगा। चलिए मोबाइल नंबर को फिल करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको टाइप करना होगा। आप जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पे टाइप करेंगे तो आपके इस नंबर पर 5 डिजिट का एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। OTP फिल होने के बाद वेरीफाई वाला नीचे ऑप्शन पर टाइप करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और आपका जो अकाउंट है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फ़ोनपे पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस है बैंक अकाउंट को ऐड करना और वो भी बिना डेबिट कार्ड से, ठीक है, बट वो भी सीखेंगे। यहाँ पे जितनी परमिशन आपसे ली जाएगी सारे परमिशन को अलाउ करना, किसी भी परमिशन को डंट अलाउ नहीं करना, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि इसमें बैंक अकाउंट कहाँ से लिंक होगा, हम बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करके बैलेंस को चेक करेंगे, मनी को ट्रांसफ़र करेंगे। सिंपल है, बस ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको प्रोफाइल का लोगो दिखेगा, जस्ट इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ मिलेगा बैंक अकाउंट का ऑप्शन, जस्ट आप बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब नीचे मिलेगा आपको ऐड न्यू बैंक अकाउंट, जस्ट आप ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर टैप करेंगे तो यहाँ पर सारे बैंक के लिस्ट शो हो जाएंगे। नीचे में भी आपको मल्टीपल लिस्ट मिल जाएंगे, आपको जो भी बैंक इसमें लिंक करनी है आप सर्च के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक को मैं लिंक करने वाला हूँ, वो भी बिना डेबिट कार्ड से। तो मैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक को सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद अकाउंट फाइंडिंग करेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स 2 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। एक फर्स्ट ऑप्शन से आधार नंबर लिंक विथ बैंक और सेकेंड ऑप्शन से डेबिट ATM कार्ड। अगर आपके बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है तो आप आधार वाला जो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है उसी को सिलेक्ट रहने देना और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस लेगा, वेट कीजिएगा, इस पेज को स्किप मत करना। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर आधार कार्ड के लास्ट के 6 नंबर को एंटर करते हैं, बट आपको आधार कार्ड के फर्स्ट के 6 नंबर को एंटर करना है। उसके बाद आप प्रोसीड के ऑप्शंस पे टैप करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा कि आपका आधार इस नंबर से लिंक है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे इंटर 6 डिजिट आधार OTP जो कि ऑटो फिल हो जाएगी। अब नीचे साइन के ऑप्शंस पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे इंटर 6 डिजिट बैंक OTP जो कि ये भी ऑटो फिल हो जाएगी। फिर आप साइन के ऑप्शंस पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे बोला जाएगा सेट 4 डिजिट UPI पिन। अब आप जो UPI पिन यहाँ पे रखेंगे यही UPI पिन आपको हर टाइम पे काम आएगी, मनी ट्रांसफ़र के टाइम, बैंक बैलेंस चेक करने के टाइम। तो आप यहाँ पे जो भी 4 डिजिट नंबर सेट करेंगे वो आपको याद होनी चाहिए। तो आप सोच समझ के 4 डिजिट का नंबर को यहाँ पे इंटर कीजिएगा। आप जब 4 डिजिट पिन इंटर करेंगे नीचे साइन के ऑप्शन पर टैप करेंगे, वही पिन कन्फर्मेशन के लिए अगेन एक बार और फिल करेंगे और फिर से नीचे साइन के ऑप्शन पर टैप करेंगे। कैसे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, वेट कीजिएगा, इस पेज को स्किप मत करना। देखिए यहाँ पे अकाउंट ऐड सक्सेसफुली, मेरा यहाँ पेटीएम पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली इसमें ऐड हो चुकी है बिना डेबिट कार्ड से। अब नीचे आप डन पे टैप करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं कि अपने अकाउंट का बैंक बैलेंस को किस तरीके से चेक करना है। सिंपल है, आप चेक कर सकते हो जस्ट यहाँ पर चेक बैलेंस के ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ पे आपको पेटीएम पेमेंट बैंक को चूज़ करनी है। अब आपने जो पिन यहाँ पे सेट किए थे उसी पिन को एक बार और इंटर करेंगे और साइन के ऑप्शन पे टैप करेंगे। यहाँ पे फेचिंग बैलेंस का इंटरफेस होगा, थोड़ा देर वेट करेंगे और आपका यहाँ पे अकाउंट का बैलेंस सक्सेसफुली शो कर दी जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ़ोनपे अकाउंट किस तरीके से बिना डेबिट कार्ड से हम क्रिएट करके यूज़ कर पाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो तो इंस्टेंट आप इस ID पर मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।